फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाने के लिए इसमें 24 चैन बुन ली है। और देखिए मेरा क्रोशिया नंबर 9 है। और देखिए फ्रेंड्स, अब हम 3 चैन और बुनेंगे, 1, 2, 3 और एक बल लेंगे। और देखिए 3 चैन स्किप करके चौथी वाली चैन में हमने इस तरह से डबल क्रोशिया से बुनना है। इसी चैन में हमने 2 बार बुनना है। फिर देखिए एक बल लेंगे और ये देखिए 1, 2, 3 3 चैन स्किप करके चौथी वाली चैन में हमने डबल क्रोशिया से बुनना है। 1, 2 फिर इसके बाद एक चैन बुनेंगे, फिर इसी चैन में हमने डबल क्रोशिया से 2 बार और बुनना है, यानी 1, 2 देखिए इस तरह। फिर से फ्रेंड्स एक बल लेंगे और 1, 2, 3 3 चैन स्किप करके चौथी वाली चैन में हमने डबल क्रोशिया से बुनना है। 1, 2 और एक चैन का गैप, फिर 2 बार इसी में बुनेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैं इस रो को कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। अब देखिए लास्ट पर आ गए हैं, तो लास्ट पर देखिए यहाँ आपने डबल क्रोशिया से 1, 2, 3 देखिए 3 देखिए ये किनारे में 3 है और ये फर्स्ट वाले किनारे में यहाँ भी स्टार्टिंग में 3 है और लास्ट में भी 3 है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब क्या करना है, अब आपने 4 चैन बुननी है। 1, 2, 3, 4 4 चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए यहाँ इस तरह से बुनना है। फिर आपने देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैन बुनेंगे और देखिए यहाँ सिंगल क्रोशिया से इस तरह बुनेंगे। फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर सिंगल क्रोशिया से बुनेंगे इस तरह। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ बुनेंगे। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ बुनेंगे। फिर इसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4 4 बुनेंगे। 4 बुनने के बाद आपने देखिए यहाँ इस तरह से बुनना है। ये देखिए अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने क्या करना है, तरह से देखिए मैंने इसके सेकंड रो भी देखिए कंप्लीट कर ली है। आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ से आपने देखिए इसको इस तरह रखना है। ये देखिए आपने इसको इस तरह से रखना है और रखने के बाद देखिए आपने क्या करना है, ये देखिए 1, 2, 3 3 रखने के बाद आपने देखिए ये बीच में ये छोड़ दीजिए, जो है इसके बीच में यहाँ, और ये देखिए जो जाली है ये इन दोनों के बीच में से बुनना है इस तरह से। देखिए बैक साइड में से यहाँ से, ये देखिए एक बल लीजिए और यहाँ से देखिए जो हमारी नीचे की जाली थी इन दोनों के बीच में से इस तरह से बुनना है। 1, 2 और एक लगा के 3 हो गए। फिर देखिए अपने एक बल लेना है और देखिए ये जो है जो बीच में आपने एक चैन का गैप दिया था यहाँ, और ये जो पीछे की जो जाली है इसके अंदर से इस तरह से डबल इसमें से आपने इस तरह से 1, 2 फिर एक चैन, फिर आपने इसमें से बुनना है 3, 4 और फिर देखिए एक बल लेंगे और देखिए ये जो इसके बीच में है ये, और ये जो आपकी जो जाली बनाई थी आपने ये 6 चैन की, इसके बीच में से बुनना है। इन दोनों में से आपने इस तरह से बुनना है 1, 2
एक चैन एक पर लेंगे, ये देखिए इसके बीच में, और इसके बाद ये जो जाली बनाई थी हमने, देखिए इस जाली के बीच में इन दोनों को एक साथ पकड़ेंगे और इसके बीच में डबल क्रोशिया से बुनेंगे, एक दो, एक चैन बुनेंगे, फिर से इसके बीच में डबल क्रोशिया से बुनेंगे, एक दो, फिर देखिए अब देखिए इसके बीच में यहाँ, और इसके बाद ये जो जाली है यहाँ इसके बीच में बुनेंगे। ये हमारी थर्ड रो है फ्रेंड्स, ये देखिए दो बुन लिए, फिर एक चैन का गैप रखिए, फिर से इसी में एक बुन लिया, दो, फिर देखिए एक बार लेंगे और ये जो आपका देखिए यहाँ ये, और जो ये जाली है इन दोनों के बीच में से यहाँ से बुनेंगे, एक दो और ये तीन, इस तरह से देखिए, देखिए इस तरह से थर्ड रो भी देखिए, देखिए थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए फ्रेंड्स फोर रो जो बुनेंगे, अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे, आप अपने पसंद का कोई सा भी कलर इसमें लगा सकती हैं, यहाँ से इस तरह, और देखिए एक दो तीन चार, चार चैन बुनेंगे, देखिए चार चैन बुनने के बाद देखिए जो बीच में है यहाँ, आपने देखिए पीछे से इस तरह से, देखिए यहाँ से आपने चार चैन बुनने के बाद इस तरह से देखिए ये पीछे से निकालेंगे, और अपने क्रोशिया इसके बीच में से ये इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आपने सिंगल क्रोशिया से बुनना है, फिर देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, छः चैन बुनेंगे, और देखिए इसके बीच में से ये देखिए जो पीछे है यहाँ, देखिए यहाँ से आपने इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बुनना है, फिर एक दो तीन चार पाँच छः, छः के बाद ये देखिए इसके बीच में से इस तरह से, एक दो तीन चार पाँच छः, और ये देखिए आपने पीछे ध्यान रखना है, देखिए इस मैंने क्रोशिया डाला देखिए इसके नीचे से यहाँ से, फिर आपने ये देखिए ये जो जाली है इसके अंदर से इस तरह से, देखिए मैंने बुन लिया है, देखिए छह चैन बुनी है और बीच में सिंगल क्रोशिया से बुना है, फिर छह चैन बुनी है, फिर बीच में सिंगल क्रोशिया से, अब देखिए लास्ट पर आ गए हैं, देखिए इसके बीच में से यहाँ से आपने सिंगल क्रोशिया से बुनना है, फिर देखिए एक दो तीन चार, चार चैन बुनेंगे, और ये देखिए यहाँ जो है यहाँ पर आपने इस तरह से इसको ज्वाइंट करना है, फिर पलटना है, एक दो तीन चार, चार चैन बुनेंगे, एक बार लेंगे और ये देखिए ये जो है देखिए एक दो, दो के बीच में यहाँ आपने इस तरह से एक दो, और ये चैन लगा के तीन हो गए, फिर एक बार लेंगे, अब देखिए इसके बीच में और ये जो व्हाइट वाली चैन थी इन दोनों के बीच में, देखिए दोनों को रखेंगे और इसके बीच में डबल क्रोशिया से बुनेंगे, एक दो, फिर एक चैन, फिर इसी में बुनेंगे, एक दो, फिर एक चैन, और अब देखिए इसमें एक दो, फिर एक चैन, ये, और पीछे से चैन ले लेंगे इन दोनों के बीच में से बुनेंगे,
तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। से मैंने इस रो को देखिए कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स। अब आपने क्या करना है देखिए, अब आपने फिर से ब्लू वाला ऊन लेना है, इसके अंदर से इस तरह से और व्हाइट को खींच देंगे इस तरह। फिर से आपने देखिए एक दो तीन चार, चार चैन बुनेंगे और चार चैन बुनने के बाद देखिए अब आपने क्या करना है। अब आपने देखिए यहाँ, अब इसके बीच में से यहाँ से आपने सिंगल क्रोशिया से बुनना है इस तरह। फिर देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, फिर इसके बीच में यहाँ से आपने सिंगल क्रोशिया से बुनना है एक दो तीन चार पाँच छः, इसके बीच में से यहाँ से इस तरह से। बस फ्रेंड्स ये दो ही रो आपने रिपीट करनी है इसमें, चार पाँच छः के बाद इसके बीच में से यहाँ से एक दो चार पाँच छः, छः इसके बीच यहाँ से, फिर एक दो चार पाँच छः, लास्ट पे चार बुनेंगे और यहाँ इस तरह से फिर से पलट देंगे एक दो तीन चार, चार के बाद देखिए ये एक दो इसके बीच में से यहाँ आपने इस तरह से बुनना है एक दो। और अब देखिए एक बार लेंगे, अब इसके बीच में देखिए यहाँ और ये पीछे से ब्लू वाली चैन, ये दो हैं, अब इन दोनों में बुनेंगे एक दो, फिर एक चैन, फिर से दोबारा इसी में बुनेंगे एक दो, फिर देखिए ये देखिए फ्रेंड्स ये जो चार बनाए थे इसके बीच में एक चैन का गैप था, इसमें डालिए क्रोशिया और ये पीछे जो आपने चैन बुनी है छह, ये इन दोनों में से इन दोनों को पकड़ के इनमें बुनना है एक दो एक। फ्रेंड्स इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस तरह से मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ से देखिए मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब फ्रेंड्स देखिए अब जो बुनेंगे हम व्हाइट से बुनेंगे और आपने सिर्फ दो ही रो रिपीट करनी, देखिए दो व्हाइट की बुननी है, दो ब्लू की बुननी है, फिर दो व्हाइट की बुननी है, फिर दो, और इस तरह से आपका देखिए कितना खूबसूरत सा डिजाइन देखिए तैयार हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।